ये व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक। आज के इस वीडियो में लेके आप लोग के लिए Realme 7 Pro का यहाँ पे स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट। जी हाँ, ये यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है, इससे हम टेस्ट करेंगे हमारे इस Realme 7 Pro के स्किन को, स्क्रीन को बेसिकली यहाँ पे। और फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने परचेज किया था तो इसका अनबॉक्सिंग भी मैंने डाला, अगर आपने नहीं देखा तो आई सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो, उसे भी चेकआउट कर लो। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कितना बेस्ट यहाँ पे इसका स्क्रीन निकल के आता है। तो वीडियो को एंड देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जैसे कि बताया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट यहाँ पे Realme 7 Pro का। तो उससे पहले कुछ यहाँ पे फीचर स्पेसिफिकेशन आपको बता दूँ। तो 6.4 इंचेस का यहाँ पे फुल HD सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हमको यहाँ पे पंच होल कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ आता है, और एक फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों स्पीकर्स, यहाँ पे दो साइड आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो हल्का सा चेन यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन लुक एंड फील वाइज देखने को मिलता है। मिरर ब्लू वेरियंट है। यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो क्वाड कैमरा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ यहाँ पे है। और यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लैश लाइट, रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिनिश में देखने को मिलता है हमारा ये वेरियंट। और यहाँ पे जैसे बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये गोरिल्ला ग्लास 3+ को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं स्क्रीन एक अच्छा खासा बनाया गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। इजीली तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पे नाइफ के साथ। यूजुअली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 पे भी नाइफ आप कितना भी घस लीजिए वो रफ होगा नहीं, क्योंकि जो ग्लास 3 है वो बहुत ही अच्छे कोटिंग के साथ आता है, और ये 3+ के साथ आता है यहाँ पे। तो एक बार मैं आप लोग को बंद करके स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, स्क्रीन पे कोई भी ये स्क्रैचेस कुछ भी नहीं है, बस ये हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पहले से ही था तो यहाँ पे उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे परफेक्टली फाइन है, देयर इज नो स्क्रैच ऑन इट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो नाइफ लेंगे, नाइफ के साथ हम इसे रब करते हैं। यूजुअली नाइफ से आप कितना भी यहाँ पे घस लीजिए तो यहाँ पे ये कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ग्लास पे नाइफ उतने मतलब काम ही नहीं करेगा एक हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ इसे रब करने के, यहाँ पे ये इसकी ग्लास पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स कीज़ के साथ भी करेंगे, तो देखेंगे कीज़ के साथ कितने तरीके से वहाँ पे फिलहाल देखेंगे। तो ये देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो हो गया, नाइफ पे यूजुअली काम नहीं करता है मैंने जितना भी यहाँ पे देखा है। यहाँ पे कीज से देखते हैं, यूजुअली कीज पे हो जाता है बहुत सारे फ़ोन पे, मैं देखा हूँ कि कीज से अपने अगर आप पॉकेट में रखते हैं फ़ोन को और कीज़ को तो यहाँ पे स्क्रीन पे हल्का फुल्का स्क्रैचेस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन पे कोई भी कीज से भी यहाँ पे स्क्रैच हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं अगर क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कोई भी स्क्रीन पे कीज से भी यहाँ पे स्क्रैच हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, कितना भी मैं यहाँ पे इसे रब कर लूँ, क्योंकि 3+ के प्रोटेक्शन के साथ आता है तो यूजुअली फ्रेंड्स इतना जल्दी तो स्क्रैचेस आप लोगों को गारंटी ये देखने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ पे आप लोग कितने भी फोर्सली कितने भी अच्छी तरीके से रब कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसके स्क्रीन पर हिट करने वाले हैं हमारे स्क्रू ड्राइवर से, और देखते हैं किस कैसा हमको देखने को मिलता है इसमें यहाँ पे आउटपुट। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन फिलहाल के लिए अभी भी प्रॉपरली फाइन वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देख ले रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, मैंने प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं तो स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को जो ये देखने को मिल रहा है मार्क्स, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फिलहाल, तो ये इसके मार्क्स हैं, देख लीजिए आप लोग जो इसके ऊपर आया है वो ये मार्क्स है यहाँ पे। तो स्क्रीन पे कोई भी इशू नहीं, स्क्रीन बहुत ही फाइन वर्क कर रहा है। अब हमारा जो लास्ट इक्विपमेंट है यहाँ पे ये स्मॉल हैमर, इससे हम मार्क करके देखते हैं।
पे देख सकते हैं इसका आउटपुट, यहाँ पे स्क्रीन बहुत ही फाइन वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देयर इज नथिंग एनी डेंट और एनी स्क्रैचेस ऑन द स्क्रीन लेफ्ट। यहाँ पे देख लीजिए एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम लग रहा है। यहाँ पे कोई भी स्क्रीन पे कुछ अप्लाई नहीं किया गया, और मैंने फोर्स भी अच्छा खासा अप्लाई किया था। अब हाँ, मैं स्क्रीन को अगर फोड़ना चाहूँ तो फोड़ सकता हूँ एक मिनट में, बट यहाँ पे ये स्क्रीन को फोड़ने का टेस्ट नहीं, ये है नॉर्मल। अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरता है तो क्या फ़ोन ब्रेक होता है, या फिर फ़ोन पे अगर नॉर्मल स्क्रैचेस यहाँ पे किसी भी चीज़ से लगते तो इजीली तरीके से आते हैं, ये नहीं उस तरीके से मैंने वीडियो बनाया यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ये कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ भी नहीं है। स्क्रीन बहुत ही फाइन वर्क कर रहा है। गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस का जो प्रोटेक्शन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्क्रीन देख लीजिए एकदम मक्खन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट में यहाँ पे ये जो Realme 7 Pro है वो पास हो चुका है यहाँ पे। और यही वीडियो अगर आप मुझे बताओगे कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बन रहे टेक्नो चैनल के साथ, बहुत जय हिंद, पीस आउट।